नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में, जिसमें हम बात करते हैं आपके घर के वास्तु दोष के बारे में कि कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं, और अगर हाँ ये वास्तु दोष आपके घर में है तो कैसे आप इस दोष को दूर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी तोड़फोड़ के। तमाम आपके सवाल हैं जिनके साथ हम हाजिर हैं। कुछ मेल्स भी यहाँ पर मेरे पास है जिनका हम यहाँ पर देंगे जवाब, और ये जवाब देंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभव नाथ शर्मा जी। तो हम यहाँ पर आचार्य जी से जानेंगे कि किस तरह से बिना किसी तोड़फोड़ के आप कर सकते हैं वास्तु उपाय। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो सबसे अहम है, घर पर सोने की जो आपकी दिशा है वो क्या हो। क्योंकि आचार्य जी, बहुत मेरे ख्याल से, मैं खुद इस चीज को मानती हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है, अगर आप सही सोए नहीं है तो काम में आपका उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जी हिमानी, मैं अभी संपूर्ण वैज्ञानिक तरीके से आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि सही दिशा में सिर करके सोने का क्या महात्मा है। ये कोई भी मिथ्या नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर बनाया हुआ ये सिद्धांत है। इसको यदि आप अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, यदि आपके शयन कमरे का स्थान ठीक नहीं है, आप सही दिशा में नहीं सोते, आप सिर्फ अपना सिर सही दिशा की तरफ करके सोते हैं, तो भी काफी हद तक आपको लाभ मिल सकता है। और जिस व्यक्ति की नींद पूरी होती है उसका दिन बहुत उत्तम जाता है। तो क्या है वो उपाय, मैं आपको बताऊंगा 2:18। बिल्कुल, क्या है वो चमत्कारी उपाय, इसके लिए आपको करना होगा ठीक 2:18 का इंतजार, क्योंकि वो होती है शुभ घड़ी और उसी वक्त हमें आचार्य जी बताएंगे ये चमत्कारी उपाय। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई और दुविधा ऐसी है, जो वास्तु दोष कोई ऐसा है, कोई परेशानी ऐसी है, आप सिर्फ सवाल यहाँ पर अपना बताइए आचार्य जी को, और आचार्य जी आपको देंगे उसका सटीक उपाय। आप करके देखिए और देखिए कि कैसे चुटकियों में आपको इसका लाभ मिलता है। उस नंबर पर कॉल कीजिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। कुछ मेल भी यहाँ पर मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से ये भी कहूंगी कि हम जो आपको नक्शा मेल करने के लिए कहते हैं, आप अपने घर का नक्शा यहाँ पर कीजिए। आपके घर की फोटोग्राफ्स हमें नहीं चाहिए या आपकी फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए, क्योंकि घर के नक्शे को देखकर ही यहाँ पर आचार्य जी बताए यहाँ पर पाएंगे आपको कि क्या है उसकी सही दिशा और क्या दोष है जिसे आप इस तरह से दूर कर सकते हैं। पहली मेल जो आचार्य जी मेरे पास है वो है हिमांशु की, और ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी इन लोगों के घर पे प्रॉब्लम है, लेकिन जो नक्शा इन्होंने बनाया है और जो दिया है अब तक, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मीटर जो है उनका ये नॉर्थ साइड में है, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट जो इनका है वो साउथ ईस्ट में है, किचन वेस्ट में है, और जो सीढ़ियां हैं इनके घर की वो लेफ्ट टर्न मतलब साइड में है। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो अब बिना किसी तोड़फोड़ के क्या ये ऐसा करें, और क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ये नक्शा जो है वो ठीक है। जी हिमांशु जी, आपका नक्शा मैंने देखा, मुझे प्राप्त हुआ, और आपने जो बातें उसमें लिखी हैं, देखिए उत्तर पश्चिम का इलेक्ट्रिक मीटर मेरा बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैंने एक घर में देखा था और मैंने उस घर में बताया था कि इसका दोष घर में संतान पर आता है, और कुछ ही महीनों बाद इतनी बड़ी घटना हुई थी कि पूरा यूपी हिल गया था उस घटना से। इसका दोष बहुत खतरनाक होता है और आने वाली जनरेशन पर आता है, संतान पर आता है। तो इस दोष निवारण के लिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पूरी वायरिंग फिर से करें, पूरा मीटर वहां से शिफ्ट करें, आप अग्नि कोण को और ऊर्जावान कर दीजिए, उसको और मजबूत कर दीजिए। मजबूत कैसे करेंगे, जब अग्नि की दिशा में अग्नि का वास होगा, आप वहां पे एक लाल बल्ब जला दीजिए, वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में क्योंकि आपने मीटर लगा दिया वहां पर उसका दोष हो गया, तो उत्तर और पश्चिम के कोने में नीले रंग का एक बल्ब जला देना, वरुण दिशा, वरुण देव को थोड़ा सा मजबूत करना, जो उत्तर पश्चिम दिशा के देवता हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके साथ साथ जो सीढ़ियां हैं या जो और भी अन्य दोष हैं आपके घर के लिए, उसके निमित्त वास्तु शांति करा लेना, क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं उत्तर पश्चिम में एक हैंडपंप भी है जो बहुत गलत है। ईशान कोण में बोरिंग होनी चाहिए, उत्तर और पश्चिम कोण में कहीं भी आप बोरिंग नहीं कर सकते, ओवरहेड टैंक रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वास्तु शांति करा लेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा बिना तोड़फोड़ के। इससे सटीक उपाय और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। बिल्कुल, तो हिमांशु जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हम आपको यहाँ पर बिना किसी तोड़फोड़ के ही वास्तु उपाय बताते हैं, तो आप इसे फॉलो कीजिए जो आचार्य जी ने यहाँ पर आपको बताया है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है दिल्ली से, बबली। बबली आप अपना सवाल करें। आचार्य जी नमस्ते। एक्चुअली पता नहीं आचार्य जी मुझे क्या हो गया, बहुत लेजीनेस होने लगता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, कुछ काम में भी मन नहीं लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बबली आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में रहती हैं, आप अपना कमरा बताइए, शयन कक्ष कौन सा है? मेरा तो पूरब साइड उसका रूम है दरवाजे, लेकिन आपका कुछ सामान या आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है उसमें दोष है। आपने अपना मेन जो
सारा सामान रख दिया है, वो दक्षिण और पश्चिम में रख दिया है। आप भले वहां रहती हूँ लेकिन आपकी आपका मालिकाना अधिकार उधर बना हुआ है जिसके कारण आपको ये दिक्कत आती है। तो आपको इतना सा करना है कि अपने सारे सामान के साथ आप अगर उत्तर और पूर्व की तरफ कहीं भी शिफ्ट हो जाए तो आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। तो बबली के इस सवाल के जवाब के बाद अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवनीत। नवनीत, आपका क्या सवाल, आप अपना सवाल रखें। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैं सीकर से बोल रहा हूँ। एक तो आचार्य जी, मैं अभी सीकर में यहाँ मकान शुरू करने का कार्यक्रम है जी, तो उसमें प्लॉट में थोड़ा मतलब ये राइट साइड में टर्न कर रहा है कंपास देखा था जी, तो उसके वास्तुशास्त्र का फर्क पड़ता है कि अंदर के एंगल का? जी बिल्कुल पड़ता है। आपको करना यह है कि अपने घर के उत्तर और पूर्व के कोने में एक तुलसी का गमला लगाएं और संध्याकालीन समय में वहां देसी घी का दीपक और दो अगरबत्तियां गुलाब की सुगंध वाली अवश्य लगाइए, जो भी दोष होगा तत्काल रुक जाएगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि नवनीत जी आपको भी अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। इस वक्त लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शोभा। शोभा आपका क्या सवाल? जी जी पंडित जी, जी बताए। जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, मैं आपको प्रणाम बहुत देख रही हूँ कई दिनों से और बहुत अच्छा लगता है। मेरी समस्या है और कि मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ और दो समस्याएं मेरी पंडित जी। जी सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा मकान जो है कॉर्नर का है और उसका कॉलोनी का है, लेकिन उसमें यही है कि मेरा पूर्व दिशा तो खुला हुआ है लेकिन जो ईशान कोण और उत्तर में है, उत्तर में मेरा किचन बना हुआ है और ईशान में मेरा जो टैंक बना हुआ है और वहीं पे मीटर बोर्ड भी लगा हुआ है जी। हेलो, देखिए ईशान में अगर टैंक बना हुआ है तो आपके लिए बहुत शुभ है, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, धन लाभ के लिए इसको हम लोग बनवाते भी हैं अलग से। यदि टैंक नहीं बनवा सकते तो छोटा सा जल स्थान बनवा देते हैं, वो आपको लाभ देता है। और उसके साथ साथ आपने जो मीटर वहां लगाया है वो गलत है, तो इसके दोष निवारण के लिए आपको ये करना है कि आप दक्षिण और पूर्व के कोने में एक लाल रंग का बल्ब जला दें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पश्चिमी दिशा में, दक्षिण और पूर्व के कोने में पश्चिमी दिशा में पंचमुखी हनुमान जी को आप स्थापित कर दें। संध्याकालीन समय में मंगलवार से शुरू करके 40 दिन तक आप उनको तिल के तेल का दीपक अर्पित करिए, जो भी दोष होगा वो तत्काल हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और शोभा जी के इसी सवाल के जवाब के साथ अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है रोमा बिलासपुर से। रोमा, आप अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरा मकान सर्व सुविधा युक्त है, किसी कारणवश तो मैं मकान बेचना चाहती हूँ। लोग आते हैं, पसंद भी करते हैं, पर ना जाने क्यों बात बनती नहीं रहा। हाँ, प्राइस भी मैं लोगों के ठीक लगते हैं, पसंद भी होता है, थोड़ा उपाय बताएं। जी देखिए, आपको करना ये होगा कि आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम कोने को थोड़ा सा मजबूत करिए, क्योंकि वो किसी को मालिक के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो भी आता है उसका वहां पे मन ही नहीं बन पाता है और ऐसी स्थिति ये प्रॉपर्टीज में आती है। जब भी दक्षिण पश्चिम कोना कमजोर रहेगा तो वो अस्थिर रहेगा, जो भी आएगा आप वहां आए, आप वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, कोई आएगा तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, उसके निर्णय लेने की क्षमता चली जाती है। तो आपको दक्षिण और पश्चिम का कमरा जो है उस स्थान को मजबूत करना है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलिए तो रोमा जी, आपका काम जल्द ही होने वाला है, बस जो उपाय आपको आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें आप फॉलो करते जाइए। तो ये तो है आपके सवाल और आपके